माही कलिया, ये हमने हीरा मच्छी ली है, दैट्स रेड स्नैपर, ठीक है, 3 पाव के करीब 750-800 ग्राम। हम ली तो 1 किलो की मच्छी, 1 किलो थी, वो निकलने के बाद उसका सर्वर निकालने के बाद वो तकरीबन 3 पाव बच गई, ठीक है। ये हमने मच्छी फ्रेश मछली है बिल्कुल। अब इसको हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पैन लेना है, उसमें हमें ऑयल डालना है। ऑयल हम लेंगे 1/2 कप। ठीक है, ऑयल 1/2 कप ले ली। इसमें हम डालेंगे मेथी दाना और कड़ी पत्ता, मेथी दाना, कड़ी पत्ता। मेथी दाना हम डालेंगे, अच्छा ये ज़्यादा है, अच्छा 1/4 टीस्पून। ज़्यादा डालने से कड़वा हो जाएगा। कड़ी पत्ता 20-25 डाल दीजिए। कड़ी पत्ता डाल दिया, फिर अब मैं इसमें 1/4 कप पानी डालूंगी और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल रही हूँ धनिया पाउडर 2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा कुटावा रोस्टेड 2 टीस्पून, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हल्दी 1/2, चिली पाउडर, अच्छा अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता जल ना जाए। हल्दी के बाद की चीज़ें भी डालती हूँ। ठीक है, हल्दी डाल दी, अब हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, बस। अब इसका हमने एक मसाला पीसा है, नारियल और खशखाश का, तेल लिया 1/2 कप, उसमें हमने डाल दिया कड़ी पत्ता और मेथी, उसके बाद सारे ड्राई मसाले डाले 1/4 कप पानी के साथ, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, जीरा भुनावा कुटावा 2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी डाल दी 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। अब इसमें ये पिसा हुआ मसाला, नारियल और तेल। नारियल लिया था 1 टेबलस्पून, तेल लिए थे 1 टेबलस्पून। ठीक है, अब इसमें जा रही है लाल प्याज, फोर टेबल स्पून। इसमें जाएगा इमली का जूस, ये देख लीजिए आप लोग,
मैं ये मछली डाल रही हूँ, हीरा मछली जिसे आप इंग्लिश में रेड स्नैपर कहते हैं। अमेजिंग फिश, सो फ्रेश। ठीक है, ये चली गई। अब इसके बाद इसको मैं 5 मिनट हिला रही हूँ और फिर मैं इसमें ये डाल रही हूँ इमली, साबुत हरी मिर्चें 3-4, और इसको दम पे छोड़ देंगे।